को याद है बताया था कि हम आज़ाद को छोड़ने गए थे और वहाँ से हमने एक और गाय भी उठानी थी, पर क्योंकि आज़ाद को वहाँ लोगों ने छोड़ने दिया नहीं तो हम उस गाय को बेचारी को ला भी नहीं पाए। आज़ाद तो अभी खैर यहीं पे ही है, जगह हमारे पास बनी है और हम उसको अब लेके आए हैं। हे ज्योति, कौन कौन गया था? आदित्य, आर्यन, साहिल और विन। इतने लोग गए थे जी? क्यों सर? इसका ये इस गाय को हम पहले भी कई बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा तेज है, ये भाग जाती है और पकड़ में भी नहीं आती है। ये भी भाग मारा। ओ बाप रे, ये क्या खुर मारा इसने? अबे गाय है, निंजा है ये। इतनी सी गाय ने इतना घायल कर दिया साहिल को, लात मार दी। बाप रे, सींग टूटा हुआ है। अब आप देखो, ये इतने दिन से इतने दर्द में थी, अब हमारे पास जगह ही नहीं थी, क्या करें। फिर जिन्होंने पहले पकड़ के रखी थी, जब हम लेके नहीं आ पाए उसको आज़ाद को, क्योंकि छोड़ नहीं पाए थे, तो वो भी हमसे नाराज हो गए। सुबह तो अभी हम लोग उसको फ्लूइड्स लगाने वाले हैं, तो इसके फ्लूइड्स गर्म करके लगेंगे जी। वो कब अभी बेहतर हो रहा था उसका सिचुएशन, डायरिया भी थोड़ा कंट्रोल में था, लेकिन कल अचानक से रात में टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो गया। कल एक्चुअली यहाँ मौसम भी खराब था, यहाँ दो दिन से आंधी और बारिश थी, आज तो अच्छी धूप निकली हुई है। आई होप कि इसमें बेटर फील करेगी। चक्कर क्या होता है, इनके सिस्टमिक इश्यूज होते हैं, जिस हालत में इन्हें सड़क पे निकाला गया होता है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, फिर सड़क पे इन्हें कोई प्रीमियम डाइट तो मिलती नहीं, ये लोग कचरा खाते हैं, तो इन सभी की हेल्थ काफी खराब रहती है। बेटी जी, चोर यहाँ पे साहिल भैया ने बनानास रखे थे, और ये देखो चोर को, ये देखो इस चेहरे को ध्यान से देखिए। हमारा अभी अपडेट जाना है 11 बजे, हम बैठ के अपडेट एडिट कर रहे हैं। मैं हाँ जी, हमें कॉल आया था सिद्धवारी से, वहाँ जो फैमिली है उनके पास एक काऊ है, लास्ट 2 इयर्स से वो मिल्क नहीं दे रही है, बट स्टिल दे वर टेकिंग केयर, एंड नाउ क्योंकि कपल ओल्ड है वो लोग केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें चाहते हैं कि हम उसे अडॉप्ट कर लें। यही अनफॉर्चुनेट है, I mean, you know, like, कि अब हम, मुझे पता है कि वो गाय को छोड़ देंगे सड़क पे मरने के लिए, बट अब लाइक हम क्या करें, लाइक हम गाय इकट्ठी तो नहीं करते रह सकते। सुबह सुबह हमारा एनिमल एरिया कुछ ऐसा दिखता है। कमल जी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, इसका तो अभी नाम नहीं रखा ना हमने, चरणदास, जो अपने चरण मारता है सभी को। हाय, मैं इसके पास ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि ये बाइट करता है। बेटी जी एज यूजुअल खाने में लगी हुई है, इनको जहाँ खाना मिल जाता है ये वहीं चल देती हैं। बेटी जी ये अंदर से क्यों आई अभी? मीमी ये दरवाज़ा, ये काऊ शेड तुम्हारे लिए नहीं है, तुम क्या कर रही होती हो काऊ शेड के अंदर? चलो बाहर खाना चुरा रही है वो सबका। और ये है चंपक चाचा, देखो वो चाचा नहीं चंपक है खाली, चाचू तो ये है चाचू। चंपक दिस इज अ कैमरा। ज्योति का फुल टाइम काम ये हो गया कि ये बस एनिमल्स आके इसको किसियां करते रहते हैं। अभी रवीना का मुझे ना फोन आया था कि गिरगिट जो एक बैल है उसको एनीमा दिया जा रहा है। वो जो पीछे दिख रही हैं वो स्मृति हैं। स्मृति हमारे यहाँ वॉलेंटियर कर रही थी और अब ये 2 हफ्ते के लिए वर्क एक्सचेंज पे हमारे साथ हैं। यहाँ पे बड़े सारे जो लोग आते हैं ना, लगभग सभी लोग, उनकी एक बैक स्टोरी होती है। स्मृति की बैक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली एक होटल चलाती हैं, पर इनका ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो जानवरों की मदद करने में, क्योंकि इनको लगता है कि भाई आखिरकार पैसा कमा के करें तो करें क्या। अब जो है ना, अब एक्चुअली ये पोजिशन में है, तो इसका जो सर है वो इनके 2 रॉड्स के बीच में है, ताकि इधर उधर सर ना मार पाए, अपने आप को भी इंजर कर लेते हैं, और पीछे अगेन ये टांग ना मार पाए, इसके लिए ये बांस हमने लगा दिए हैं। एंड दिस इज एक्चुअली जो एनीमा का प्रोसीजर है। गिरगिट यहाँ पे आया था क्योंकि इसकी पूंछ जो है ना किसी ने काट दी है, इसीलिए हमने इसका नाम गिरगिट भी रखा है। मुझे लगता है बहुत सी बीमारियां जो है ना पाचन से संबंधित रहती हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान, तो अपने खाने का खास ध्यान रखना चाहिए। वीगन जो लोग हैं, मुझे लगता है नहीं कि उनको पाचन की इतनी समस्याएं आती हैं और लोगों के मुकाबले। मैं तो खैर ग्लूटेन भी नहीं लेता, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो एनीमा है आपने सोप वाटर से दिया है? जी सर, हैंड सोप भी चल सकता है, पर ऐसा नहीं है कि किसी लेस एसिडिक सोप या मोर एल्कलीन सोप से देना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर हिमांशु को सब पता है, पर मैं इनकी ये वाली बात मान नहीं रहा, मैं गूगल करके देखूँ। दैट इज अनदर थिंग, आपको पता है इंडिया में जब डॉक्टर कोई कुछ कहता है ना, तो ऐसे हो जाता है कि भाई जैसे इस बात के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं देखा खासकर गाँव में जैसे ह्यूमन डॉक्टर्स पे जब लोग जाते हैं ना, तो
उनको ये भी नहीं पता होता उन्हें कौन सी मेडिसिन मिली है। लोग बस ये कहते हैं कि भाई इंजेक्शन लगा है या गोली दे दी है, वो ये भी नहीं पूछते कि भाई ये एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, या मुझे किस दवाई पे आपने डाला है। डॉक्टर हिमांशु एक बात बताइए, थोड़ी पर्सनल है, जब आपसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपको कैसा लगता है, लाइक डू यू गेट ऑफेंडेड? नो सर। आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टेड है? सी, तो देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन पूछने के तरीके पे है, दूसरे से आप और नॉलेज लेना चाह रहे हो, आप उनके टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो उन्हें अच्छा लगेगा, पर इफ़ यू आर लाइक, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछो जैसे आप उन्हें चैलेंज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बुरा मानेगा। चंपक जी अभी भी अपनी सर्जरी की वेट कर रहे हैं क्योंकि कोविड के चलते पालमपुर बंद है, अब जब तक वो खुलेंगे नहीं तब तक इसकी पिनिंग होगी नहीं, तब तक ये ऐसे स्प्लिंट पे ही रहेगा। एक जो सैड बात आज हुई है, जो बिस्किट की मदर थी चाय, उसकी डेथ हो गई है। ये देखो, ये प्यार देख रहे हो आप बहनों का, ये प्यार देखा जा रहा है बहनों का। आई एम सो जेलस, मुझे तो मारने के लिए आती है। सिद्धार्थ इतना क्यूट है ना। हम लोग यहाँ पॉली हाउस में पपाया की एयर लेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम एक ही पपाया से उसकी एक ब्रांच में कट लगा के वी कैन ग्रो वन अनदर ट्री आउट ऑफ इट। तो उसमें कट लगा रहे हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में गैपिंग के लिए उसमें या तो एक स्टिक या फिर यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ प्लास्टिक कि उसका कनेक्शन नीचे से रुक जाए। आज कौन सा दिन है संजय भैया? आज बुधवार है भैया। आज बुधवार है, मेरे को तो सारे दिन यहाँ बराबर लगते हैं। एक्चुअली हफ्ते की मैं छुट्टी लेता नहीं ना, तो कोई एंकर नहीं है। यहाँ पे मौसम खराब है 2-3 दिन से, आज भी सुबह से बारिश हो रही है, कल रात को भी बारिश होती रही है, और अभी मैं ऑफिस में ही था। रवीना को ज्योति ने बताया है कि कोई रेस्क्यू आया है जिसकी काफ़ी खराब स्किन है। बाप रे। तो होता क्या है कि इनको जैसे खुजली हो जाती है, उसके लिए ये खरोच लेते हैं अपने आप को, उस खरोच में एक बारी मक्खियां बैठ गई, उन्होंने अंडे दे दिए तो एक कीड़े हो जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इस समय स्मेल भी आ रही है मैगेट्स की। ये होता है इसलिए कि इनकी इम्यूनिटी एक तो कमज़ोर होती है, और फिर सड़क पे इन्हें डाइट ठीक मिलती नहीं, तो इस जैसे स्किन केसेस इतने वर्स हो जाते हैं। टेलीग्राम पे जो पीपल फार्म का हमारा चैनल है, वहाँ पे हम सारे केसेस जैसे आते हैं वहाँ पे इमीडिएटली हम इन्फॉर्म करते रहते हैं, ताकि अगर आप लोग वीकली अपडेट नहीं देख पाते तो वहाँ पे आपको पता लग जाए। ज्योति, जैसे रेस्क्यू आया, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ जाएगा? आउटपेशेंट एरिया, इसका फुल बॉडी चेकअप होगा, अभी बेसिक ट्रीटमेंट जाएगा, वेट वगैरह सारा कुछ होगा, उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। मैंने वैसे देखा है कि लाइफ में जो लोग हाँ जी कहते हैं ना, उनकी उनका जीवन आसान है। मेरे जैसे लोग जो ध्यान से सुनते हैं फिर सवाल पूछ लेते हैं, लोग उनसे पक जाते हैं। आप हाथ डाल के देख लो ना अंदर, काटेगा तो पता लग जाएगा। वैक्सीन हुई है ना, तो पैसा वसूल हो जाएगा थोड़ा, चार कुत्ते काटे या दो। ये घर पे ही था किसी के, उन्होंने काफी दिन से इसे रखा हुआ था क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, तो जो कॉलर है उन्होंने अपने घर पे रखा। ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश की थी, अभी जगह हुई है तो हमने उसे मंगवाया है। यार देखो ना, ये सही है ना, दिस इज एक्चुअली कि भाई पब्लिक और नॉन प्रॉफिट मिल के हम काम कर रहे हैं। इसके बारे में कॉल आया, हमारे पास जगह थी नहीं और उन्होंने अपने घर पे इसको रखा जब तक हमारे यहाँ जगह नहीं बन गई। बाप रे, मैगेट्स फ्रेंडली लग रहा है दादा, है ना? एंड वन मोर थिंग, उस जो कॉलर थे उन्होंने इसका कंडीशन देखा, उसको अपने पास रखा, और वो इसके ट्रीटमेंट के बाद उसको अडॉप्ट भी करना चाहता। और इस डॉग की जितनी स्मेल आ रही है ना, मैं आपको बताऊं, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि दुकान के बाहर तक ऐसे कुत्ते को नहीं बैठने देते कि अरे इतनी स्मेल आ रही है, और किसी ने इसको अपने घर पे रखा, दिस इज ह्यूज। ज्योति, आपने किसको रिलीज किया जो जगह बनी? हाँ जी सर, डॉन गया तो हमने नूरी को शिफ्ट किया डॉन के कैनल में, क्योंकि हम उसका स्पे करेंगे, जो स्पे के लिए कैनल है उसमें हमने शिफ्ट किया, अभी हमारे पास इसलिए जगह है। डॉन अडॉप्ट हो गया, पर ऐसा नहीं है कि कोई लविंग फैमिली ने उसको अडॉप्ट कर लिया। एक फार्म हाउस है बीर में, उनकी चार दीवारी है, तो उनको एक थोड़ा कुत्ता चाहिए था रखवाली टाइप के लिए, तो डॉन वहां गया। अब वो है इतना फिरोशियस कि उसकी अडॉप्शन नामुमकिन थी, मतलब यहाँ तक कि हमें उसको मूव करने के लिए भी उसको पहले बेहोश करना पड़ा तो हम उसको मूव कर सकते हैं। तो ये है कि भाई वहाँ पे वो खाना मिलता रहेगा उसको, और वो किसी और के लिए खतरा नहीं पैदा करेगा। संजू क्या हुआ बाबा? नहीं, पाँव नहीं लगा रहे। लंगड़ा के चल रहा है क्या? बेटी नहीं ले रहा। बेटी जी थोड़ी परेशान है क्योंकि संजू बाबा इज नॉट वेल। तो मीनाक्षी जी ने ये बहुत ही कूल बैग बनाया है, और ये वाला जो मैं पहन रही हूँ वो भी, और ये बेसिकली हम जो प्रोडक्शन में हमारे जो बैग्स अभी ऑर्डर के बन रहे हैं उसमें से भी जो बच जाते हैं उसमें से बन रहे हैं। सो काफ़ी कूल यूज़ है ये वेस्ट फैब्रिक्स का, और हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि हम ऐसे और प्रोडक्ट्स बनाएं। मैं पहुंच गई हूँ हमारे बैग एरिया में, जहाँ हमारे सारे परमानेंटली अडॉप्टेड एनिमल्स रहते हैं, और मैं आई हूँ हमारे मुर्गों से मिलने। हाय गाइस, पक 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 पक। ये है क्या? मुर्गियों का घर ही कह रहे, रात में इसमें मुर्गे रहेंगे।
साथ में यहाँ नहीं रह सकते क्या? नीचे से नेवले आ सकते, कोई सांप आ सकते। अच्छा, इसमें चार सेक्शन है। अमरप्रीत, अकबर, एंथनी रह सकते हैं तीनों ही, पर उनको सांस वांस आएगी इसमें? हाँ, इसके लिए हम सोच रहे इसमें छोटे छोटे वो कर खिड़कियाँ सी बनाएंगे। सबसे पोलाइट ये वाला, देखो कितने प्यार से है। तो ये तो बहुत खुश है, यहाँ पे चिल कर रहे हैं। अच्छा कमरा यार, मैं भी रह सकती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली संजू बाबा और चार्ली के दोस्ती के किस्से बहुत मशहूर है। ये देखो, जहाँ पे भी चार्ली जाता है, संजू बाबा वहाँ पे फॉलो करते हैं उनको। आज हमारा ये दूसरा रेस्क्यू आया है, आई थिंक ये प्रोलैप्स केस है। तेंजिन साथ में शूट करने गया था, कहाँ से लाए रविंदर? ये प्रोलैप्स हो रखा है इसको, ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसने जस्ट अभी गोबर कर दिया है प्रोलैप्स पे ही। इट्स अ वेजाइनल प्रोलैप्स, राइट? ये है बोथ रेक्टल एंड वेजाइनल प्रोलैप्स। एक अंदर हो चुका है, एक बार बार वापस बाहर आ जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसे अटलीस्ट फॉर अ वीक यहाँ रखना। आपने सुना ज्योति ने कहा क्या कहा? सॉरी, मेरे एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग है ये जो सीन है। इसको वेजाइनल प्रोलैप्स भी है और एनल भी, और जो एनल प्रोलैप्स है वो सड़क पे ही शायद ठीक हो गया है। अब यही कह रहे हो ना? अभी एक्चुअली हम ट्रीटन स्ट्रीट के लिए ही गए थे, वहाँ पे सर ने मैनेज कर दिया, डॉक्टर हिमांशु गए थे ये वाली चीज़ के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि हमें इसे रखने की ज़रूरत होगी, तो मैंने बुलवा लिया। ट्रीटन स्ट्रीट हमारे वो केसेस होते हैं भाई जिनको यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है, सड़क पे क्यों इनका ध्यान रख लेता है। इसका जो प्रोलैप्स है उसमें इंजरी है, इस गाय के टैग लगा है देखो, है ना, और जिसने छोड़ा है ना उसने टैग काट लिया है। तो अब डेयरी कंपनी वाले जो है ना, कोऑपरेटिव वाले, उनको चाहिए हमसे इसकी फोटो ले लें, हम हाई रेजोल्यूशन फोटो दे देंगे उनको। खूब फुल पेज ऐड निकालने का शौक है, निकाले ना, दिखाएं। सात नंबर के भी डालने होते हैं, साढ़े सात के भी डालने होते हैं, छह नंबर का हाथ सबका थोड़ा ना वहाँ पे कोई। डॉक्टर हिमांशु आज बहुत ज्यादा गुस्से में, एक तो मौसम भी बहुत गंदा है। आज टिमसी की सर्जरी है, उसको जैसे मैंने आपको बताया था कि उसे हर्निया हुआ है, तो आज शाहपुर उसको लेके जा रहे हैं दौलत राम जी और नवीन भैया, और उसकी आज सर्जरी होनी है। वो जैसे ही रिकवर करेगी तो वो मुंबई जाएगी पराग जी के पास। चूचू, आज धूप में कैसा लग रहा है तुम्हें बताओ? एक जो रानीताल से हमारे पास केस आया था, जिसके पीठ पे एक बहुत बड़ा सुराख था और उसमें बहुत सारे मैगेट्स थे, और साथ ही में उसको मेंज भी हो रखी है, तो अभी उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। डॉक्टर हिमांशु और स्मृति है यहाँ पे, और आज क्योंकि ठंड है तो इसको हमने वार्म और कोजी रखा। हाय, कल हमने मैक्सिमम मैगेट्स निकाल दिए थे इसके, और इसने खाना भी कल खा लिया था, शाम को भी, अब सुबह भी खाया है। आई थिंक ये पहले बहुत डरा हुआ था, बट अब वो बहुत रिलीव लग रहा है, क्योंकि मैगेट्स से उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, आई थिंक वो अब नहीं हो रही है। ही सीम्स रिलीव्ड। डॉक्टर हिमांशु शाहरुख खान बन रहे हैं। ये बेसिकली हमारे डॉग्स के लिए म्यूजिक का प्रबंध है, शाम के टाइम या रात के टाइम जब हल्का हल्का म्यूजिक बजता है डॉग्स के लिए, ताकि वो आराम से सो सके। ये हमारे डोनेटेड कपड़े हैं जो हम सेव करके रखते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अभी जो है मीनू दीदी ऐसा कुछ बना रही है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है गार्लैंड, तो इट्स अ होम डेकोर प्रोडक्ट, और ये बनेंगे इन कपड़ों में से। जिस दिन बारिश होती है हमारे एनिमल एरिया में, हमें बहुत काम तो चलता है लेकिन दिक्कत थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो लार्ज एनिमल्स हैं वो बाहर नहीं आ पाते और सबको उनको काउ शेड में ही रहना पड़ता है, और एनरिचमेंट में बहुत दिक्कत आती है। ये जो है जी, जो है इसके घर अमेरिका में ये हिमाचल में गाय की सेवा करती है। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से करती है। हाँ, आप देख सकते हैं कि बारिश वाले दिन भी हमारे एनिमल एरिया के जितने सदस्य हैं उनकी स्पिरिट्स हाई है, तो चाहे बारिश हो या बर्फ पड़े या तूफान आए, हमारा काम जारी रहता है। यहाँ पे दो टाइप के आलू है हमारे यहाँ पे, एक है जिसके ऊपर फर आता है, एक है जिसके ऊपर कोई फर नहीं, विच लुक्स मोर लाइक एन एप्पल। तो इवन मेरे को डिफरेंस नहीं पता, सो आई हैव टू आस्क रॉबिन अबाउट इट। पीना बोल रही थी कि यार हम सब लोगों को पीनट बटर फॉर डॉग्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे तीन डॉग्स को हम खिला नहीं रहे, तो दिस इज अ ट्रीट फॉर चिली। चिली ऑफ कोर्स खाने के मामले में तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटता। चंबी इज अ बिट ऑफ डिस्टर्ब मी नॉट पर्सनैलिटी, बट या ही लाइक्स इट टू। हे चंबी, ये है पूजा जी, और ये बहुत पहले प्रोडक्ट्स के साथ काम करती थी, एंड नाउ शी इज जॉइंड अस बैक। ये जो मेरे पीछे बड़ा सा ट्रक खड़ा है, इसमें बहुत सारा भूसा है, ये भूसा हमारे लार्ज एनिमल्स जो है, जो बैल हैं, जो गाय हैं, उनके लिए
स्टोर हो रहा है। इसकी सर्जरी हो गई है तो टिम्सी आ गई है हमारी क्लिनिक में वापस। हाय टिमू, प्यारा बच्चा। टर्न्स आउट कि टिम्सी को हर्निया नहीं था, उसको हीमाटोमा था। वो सर्जरी की टेबल पे पता चला जब वो शाहपुर में गई। जो क्लॉटेड ब्लड था जो उसकी स्किन के नीचे था वो सारा निकाल दिया, जो भी मसल रप्चर से आया था वहाँ पे, तो वो निकाल दिया है। वो सारा क्लीन कर दिया है एरिया और उसको फिर दोबारा सूचर करके अब उसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स पे रख दिया। तो अभी टिम्सी के एडॉप्शन जो है वो थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि जब तक उसके स्विचर्स हील नहीं होंगे तब तक वो ऑब्वियसली ट्रैवल नहीं कर पाएगी। टिम्सी की सर्जरी के बाद टिम्सी को शाहपुर से लेके आए तो दौलत राम जी साथ में एक कैट को भी लेके आए। ये आपको कहाँ से मिली है? शाहपुर में थी, हॉस्पिटल के पास। इसकी बैक लगनी और लो, और इसका वीक भी काफी चलम जा रहा है। ये बहुत शैतान हो गए हैं बच्चे, छोटे गंदे बच्चे। देखो इसकी आंखों से ही शैतानी नजर आ रही है। आ रही है कि नहीं? ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये अभी पैदा होते हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है और लड़ाई अभी से करने शुरू हो गए। गंदे बच्चों, लड़ो मत। प्यारा बच्चा।